अभी आप ये देखें कि है ना मुस्तकिल पाकिस्तान के देखें जरूरत है बोलने की। अब मिडिल ईस्ट से कॉन्फिडेंस लेंगे किस मुल्क से लेंगे, इंडिया से लेंगे, ये सब बयान है। कोई नहीं आएगा आप सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम को हर जो हम लोग बैठे यहाँ पे बात कर रहे थे ना किसी भी टॉक शो में हमें कम से कम झूठ नहीं बोलना कि हमने अपनी कब्रों में खुद हिसाब देना है किसी पॉलिटिकल। और आप ये देखें कि जब इस शो में बैठ रहे हैं ना तो हमने ना गलत जबान नहीं यूज करनी। हम लोग क्या करते हैं बैठते हैं यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर तनकीद करते हैं, तनकीद का निशाना बनाते हैं, गलत जबान यूज करते हैं, वही पाकिस्तान में हो रहा है। मुस्तकिल आप देखें एक दिन में दो दो तीन तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, गलत जबानें यूज की जा रही हैं, कोई किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो यही तो सब कुछ हो रहा है, शो में भी यही सेम चीज होता है। पाकिस्तान में जो हो रहा है वो सिर्फ एक काजी फायदी सा इस वक्त पूरा पाकिस्तान है जो बिलावल भुट्टो सिर्फ खड़ा हुआ है काजी। और कह क्या रहा है कि ना मैं अपने किसी बुद्ध के लिए कर रहा हूँ ना मैं काजी फायदी सा के लिए कर रहा हूँ। देखिए समीना पाकिस्तान के हालात में आपको बता दूं, 4 तारीख जिस तरह पिंडी में शेलिंगे हुई है ना वो गोलियां चलाई गई है जो कश्मीरी पे चलाई गई थी इंडिया की तरफ से, वो गोलियां चली है रावलपिंडी के अंदर। इमरान खान ने आज खुफिया मुलाकात करी है किससे, अमीन गंडापुर से। और अमीन गंडापुर हर दफा इमरान खान से मुलाकात करने के बाद साथियों से गुफ्तगु करते थे मगर आज उन्होंने कोई गुफ्तगु नहीं करी है। इमरान खान के दोबारा हाथ पांव छोड़े जा रहे हैं, खुदा के वास्ते ये 4 तारीख वाला एहतजाज कैंसिल कर दो। ये आपको पता है कौन आपकी स्टेब्लिशमेंट, मैं खुल के कह रहा हूँ आपकी स्टेब्लिशमेंट भेज रही है लोगों को, क्या खुदा के वास्ते उसको मन मान लो। क्योंकि बुशरा बीजी बीबी के खिलाफ जो लोग हरकतें कर रहे हैं कि रात के 2:30 बजे उनका सर से दुपट्टा उतार के उनके बालों की चेकिंग होती है कि कोई आला लगाया हुआ है, कोई खुफिया बातें कर रही हैं, क्या कर रही हैं। ये मरियम इस नौबत पे पहुंच चुकी है मगर इमरान खान अब वो सियासत खेल रहे हैं ताज के आखिरी पत्ते, कौन से जो आपके जुल्फकार अली भुट्टो ने फेंके थे जब उनको जेल कर दी गई थी। अगर आपको याद हो पीछे में ले जाता हूँ कि जब उनको जेल कर दी गई थी उनके 2 बेटों ने जहाज अगवा किया, अफगानिस्तान में जाके ट्रेनिंग ली, ये किया, सही है, ये सारी बातें हुई। उसके बाद मुर्तजा को भी शहीद कर दिया गया, शाहनवाज को भी शहीद कर दिया गया। अब इमरान खान को ऐसा आदमी चाहिए कि जो लोगों को इस चीज पे ला सके। कल रेड्डी भाई कह रहे थे ना कि कौन जो वो है लीडर है पंजाब के वो रोडों पे क्यों नहीं आ रहे, वो आवाम को लेके क्यों नहीं निकल पा रहे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इमरान खान ने अब उन एमएनए और एमपीएस को मना कर दिया है क्योंकि उन लोगों ने ये कहा है कि अगर हम अंदर हो गए तो इन लोगों को बाहर कौन निकलवाएगा, इन लोगों के लिए एहतजाज कौन करेगा। तो इमरान खान ने अब कारकुनों को बोल दिया है कि आपको किसी लीडरशिप की जरूरत नहीं है, 4 तारीख को हर हालत में आपने बाहर निकलना है चौक पे।